guess I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. ये है Xiaomi 14 CV। हाल ही में चाइना में CV 4 Pro लॉन्च हुआ था। ये उसका रीब्रांड बन के आया है इंडिया के अंदर। इसकी प्राइस अभी कुछ पता नहीं है, 50,000 के नीचे बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम प्राइस कैटेगरी पर आपको मिलने वाला है। बाकी क्या उस प्राइस पर वर्थ है नहीं है, आज पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। बॉक्स में आपको फोन मिलेगा, आपको एक अच्छी क्वालिटी का हार्ड केस दिया गया है, 67 वॉट का अडैप्टर, टाइप सी केबल, सिम इजेक्टर पिन। फोन की तरफ आएंगे, डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो डुअल टोन आपको यहाँ पर डिजाइन मिलती है। जो छोटा सा पार्ट है वो लेदर में है, ये साइड ग्लास है और साथ में आपको मेटल के फ्रेम्स भी मिलते हैं। बाकी उसी के साथ डुअल स्पीकर्स, डुअल माइक, आयर ब्लास्टर, डुअल नैनो सिम। आईपी रेटिंग्स को लेकर फिलहाल हमें कुछ अभी पता नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आएगी तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। बाकी इसमें एक्स एक्सिस लीनियर मोटर आपको मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। प्लेसमेंट थोड़ी सी नीचे, अगर थोड़ी ऊपर होती तो ज़्यादा अच्छा होता था। 7.75 mm की थिकनेस और 177 grams, बहुत ही लाइट, बहुत ही स्लिम। इसका जो फॉर्म फैक्टर है बहुत कमाल का है और 3 अलग अलग कलर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इसमें Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 आफ्टर Poco F6, ये दूसरा स्मार्टफोन है जो इस चिपसेट के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ है। यहाँ पर 4nm पर ये बेस्ड है। आपको Antutu स्कोर्स अच्छे मिलते हैं, 1.4 मिलियन के आसपास। CPU टोटल भी बहुत अच्छा था, 91% के आसपास। और ये फोन ज़्यादा गर्म नहीं होता है, वार्म हो जाता है। अभी गर्मी का सीजन है तो वैसे भी ज़्यादा जज नहीं कर सकते। बाकी LPDDR5X UFS 4 आपको मिलता है, तो ये चीज़ अच्छी है। डे टू डे लाइफ के टास्क और नॉर्मल यूसेज में फोन अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसा हमने कोई लैग शटर नहीं नोटिस किया। और अगर गेमिंग की बात करें तो BGMI HDR एक्सट्रीम पर आप खेल सकते हैं, 90 FPS का सपोर्ट है। कॉल ऑफ ड्यूटी आप मैक्स पर सेट करके खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और स्टोरेज की स्पीड भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकल कर आई थी, हमने Antutu में टेस्ट किया, बढ़िया स्कोर्स थे क्योंकि स्टोरेज आपको UFS 4 मिलता है। ओवरऑल गेमिंग के साथ साथ डे टू डे लाइफ के टास्क यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हैंडल कर लेता है। डिस्प्ले दोस्तों आपको 6.55 इंच की 1.5K रेजोल्यूशन की एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर आपको डुअल पंचोल मिलता है क्योंकि डुअल सेल्फी है, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत कमाल का है, लेफ्ट और राइट के चिन कम है, आपको नीचे बेजल्स भी बहुत कम मिलते हैं क्योंकि ये स्लाइट कर्व्ड है, लेफ्ट और राइट से ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा सा कर्वनेस उन्होंने मेंटेन किया है और ऊपर और नीचे से भी कर्व्ड है, तो ये क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले यहाँ पर बन जाता है। 120 हर्ट्ज की आपको हाईर रिफ्रेश रेट यहाँ पर मिलती है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। एक अलग से सनलाइट मोड भी आपको यहाँ पर मिलता है, अगर आप आउटडोर में जाकर इसको ऑन करते हैं तो ये और भी थोड़ा आपको हेल्प करता है डायरेक्ट सनलाइट में। बाकी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है, DCI-P3 कलर गैमेट है, 12-bit डिस्प्ले है, आपको AI HDR एनहांसमेंट मिलता है, टेक्सचर मोड मिलता है, डिस्प्ले में काफ़ी सारी चीज़ें दी है पिक्चर और वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जितना भी हमने इसको एक्सपीरियंस किया है बहुत ही अच्छा डिस्प्ले, काफ़ी प्रीमियम, बहुत ज़्यादा ब्राइट और कलर्स भी यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हाइपर ओएस पर आता है एंड्रॉइड 14 के साथ, काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स थे, ब्लोटवेयर जिसको हम बोलते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए अगर अंडर 50,000 रुपीज़ है, ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल बन जाता है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गैट ऐप्स भी है, उसके भी नोटिफिकेशन आते हैं, इन सबको आप निकाल सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ब्रांड को यही रहेगा कि प्लीज़ पहले से ही ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो। बाकी ग्लांस मिलता है लेकिन वो ऑन नहीं था, वो ऑफ था जब हमने फ़ोन को बूट किया था, तो उसको जाके ऑन नहीं करने का, ठीक है। आपको कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है, इनका स्टॉक डायलर है, 3 ईयर्स के एंड्रॉयड अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। और जनरली बस एक ही फीडबैक है Xiaomi को कि अपने सॉफ्टवेयर को और भी इम्प्रूव करिए तो अच्छा है। कैमरे की बात करते हैं, प्राइमरी 50 मेगापिक्सल लाइट हंटर 800 सेंसर दिया है, OIS के साथ आता है और लाइका सपोर्टेड है। कैमरे के अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, लाइका और एक ऑथेंटिक, जैसे आपको ठीक लगता है आप फोटोज़ ले सकते हैं, वो आपको फोटोज़ में मिलेगा, पोर्ट्रेट में मिलेगा, अलग अलग जगह पर दिया है सपोर्ट, जहाँ पर अभी आपको यूज़ करना है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 50 मेगापिक्सल का आपको एक और लाइका का पोर्ट्रेट सेंसर मिलता है जिसमें 25 और 50 mm आपको जूम मिलता है, मैं उसके भी फोटोज आपको दिखा रहा हूँ जो अच्छे निकल कर आते हैं डे में, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और साथ ही साथ आपको 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, इसके भी सैंपल्स दिखा रहा हूँ जो कि अच्छी क्वालिटी के आप वाइड एंगल फोटोज निकाल सकते हैं, 4K 60 FPS मैक्स आप शूट कर सकते हैं। याद रहे आपको 4K में HDR का भी सपोर्ट मिलता है, जैसे आप HDR ऑन करते हैं ये 30 FPS पे स्विच कर देता है। आपको डुअल सेल्फी मिलती है 32+32 मेगापिक्सल की, एक प्राइमरी है दूसरा अल्ट्रा वाइड है, और इसमें भी आपको 0.6 0.8
वन और टू, जितना आपको वाइड लेना है, जितना आपको जूम करना है, वो सेल्फी में दिया गया है। सारे सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पोर्ट्रेट में सेल्फी में आपको 18mm और 26mm मिलता है, इसका भी आप फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। और सेल्फी में मैक्स 4K 30fps पे वीडियो आप शूट कर सकते हैं। स्लो मोशन की बात करें 720p 1920fps, बढ़िया स्लो मोशन वीडियोस निकालना है वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। फोटोज ओवरऑल यहाँ पर अच्छे बैलेंस्ड है, डायनामिक रेंज अच्छा है, कोई इश्यूज नहीं है। पोर्ट्रेट शॉट्स डे में काफी अच्छे निकल कर आए हैं, और नाइट के भी फोटोज अगर आप देखेंगे तो अच्छे निकल कर आए हैं। फ्लैट्स वगैरह ठीक है, बट एक चीज हमने नोटिस किया कि नाइट में कभी कभी नॉर्मल फोटोज अगर आप लेते हैं तो उसमें ये ओवर शार्पनिंग करता है सेल्फी के अंदर। मैंने ये वाला फोटो लिया, इसका कैमरे का व्यू फाइंडर आपको दिखा रहा हूँ, जब प्रोसेस होता है तो उसके बाद देखेंगे कुछ ज़्यादा ही वाइट कर देता है, तो ये कहीं ना कहीं ब्रांड को फिक्स्ड करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी नाइट के रियर सेल्फी फोटोज सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, ओवरऑल अच्छे। ज़्यादातर मैं आपसे रेकमेंड करता हूँ अगर आप इस फोन का पोर्ट्रेट सेंसर इस्तेमाल करेंगे तो उससे डे में, नाइट में, रियर और सेल्फी दोनों में आप अच्छी क्वालिटी के फोटोज निकाल सकते हैं। वीडियोज भी अच्छे हैं, स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है, रियर सेल्फी दोनों आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा कोई खास कंप्लेंट्स नहीं। बाकी गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। बैटरी की बात करेंगे, 4700mAh की आपको बैटरी मिलती है, 67W का आपको एडाप्टर मिलता है, और यहाँ पर आप लगभग 35 टू 40 मिनट्स में इसको जो वो फुल चार्ज कर सकते हैं 0 to 100%, विच इज नॉट बैड। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर फुल बैकअप जो है वो एक दिन का मिल जाएगा, हमने इसको टेस्ट किया है, ऑलमोस्ट पूरा दिन चल जाता है। अगर आप इसको थोड़ा नॉर्मल यूज़ करते तो क्या पता आपको डेढ़ दिन भी मिल जाए, लेकिन अभी हमने इसका फुल रिव्यू किया नहीं तो ज़्यादा अभी जज नहीं करेंगे, वहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये पूरा दिन टिक पाता है या नहीं पाता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें, डुअल सिम 5G है, 5G वोल्टी सपोर्ट करता है, वाइड बैंड L1 है, ब्लूटूथ 5.4 है, कैमरा 2 API, वाईफाई 6, 2x2 मीमो, NFC और सारे सेंसर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। अब जाते जाते अपने ओपिनियन की बात करूँ तो ओवरऑल तो ये फ़ोन अच्छा है, नो डाउट। हमने अलग अलग पैरामीटर्स में इसको टेस्ट किया, जो अच्छा था बुरा था बीच बीच में आपको सब कुछ बता दिया, बस प्राइस के बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि मैं लॉन्च से पहले बनाता हूँ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा कितने वेरियंट्स है उसके बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये 40 से 50 हज़ार के बीच में होगा, ऐसे ही मुझे लगता है, बाकी तो अभी मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मैं ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ, वो भी मेरे लिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर अगर आपको रिव्यू देखना है, कंपैरिजन देखना है, कुछ भी देखना है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।